आप सब पिछले 2.5 महीनों से मुझे पॉडकास्ट लाने बोल रहे हो एंड फाइनली ये वाली वीडियो एक पॉडकास्ट स्टाइल वीडियो होने वाली है। सो आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। और हाँ, वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा देना। नाउ बिफोर वी ऑल सेट रिलैक्स एंड गेट इनटू द पॉडकास्ट, मैं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर हनीगेन के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, एक्स्ट्रा पैसे हम सब कमाना चाहते हैं और ऐसे में हनीगेन की मदद से आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। और आपको करना क्या है, बस आपको अपना इंटरनेट शेयर करना है। अब देखो, इन पैसों से आप मिलियनेयर नहीं बन जाओगे, लेकिन हाँ, आपके नेटफ्लिक्स का, स्पॉटिफाई का या फिर इन गेम परचेजेस का खर्चा जरूर निकल जाएगा। यहाँ बस आपको अपने डिवाइस पे हनीगेन को इंस्टॉल करना है, उसे रन करके छोड़ देना है एंड वॉयला, आप पैसे कमाने लग जाओगे। इट इज जस्ट लाइक एयरबीएनबी और उबर, जस्ट आपके मोबाइल फोन के लिए। इसमें अगर आप जंप टास्क को इंटीग्रेट करते हो तो आप 50% तक एक्स्ट्रा कमा सकते हो, साथ ही यहाँ कोई थ्रेशोल्ड नहीं होगा। अब यहाँ आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई हनीगेन कितना सेफ है। वेल, मैं आपको बता दूं कि ये 100% सेफ है, क्योंकि आपके इंटरनेट की मदद से बिजनेसेस यहाँ पब्लिक डेटा गैदर करती है, जैसे कि किसी चीज की बेस्ट प्राइस क्या चल रही है, आसपास बेस्ट डील्स क्या चल रहे हैं, और ये जो पूरा होता है सिचुएशन, ये 100% इनक्रिप्टेड होता है। सो यू कैन से इट्स फुली सेफ। तो मुझे पता है आप हनीगेन को इंस्टॉल करोगे, तो उसको इंस्टॉल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट दोनों में है। बस ध्यान रहे कि साइन अप करते वक्त आप मेरा कोड हॉन्टिंग का जरूर इस्तेमाल करना, ताकि आपको इंस्टेंटली $5 मिल जाए। तो देर क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। इंस्टॉल हनीगेन नाउ एंड स्टार्ट अर्निंग सम पैसिव इनकम। ये कहानी अनुज की है, जिसकी 12वीं कक्षा में 92% मार्क्स आए थे और कई महीनों तक फॉर्म्स वगैरह भरने के बाद उसने एंट्रेंस टेस्ट दिया और उसके बाद अनुज को एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया था। कॉलेज के पहले दिन अनुज सामान वगैरह लेकर अपने असाइन किए गए हॉस्टल रूम की ओर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने रूममेट सम्यक से होती है। ये दोनों अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ अनुज कहता है कि जाते वक्त उसके पापा उसे कह रहे थे कि उसका कमरा सिंगल रूम होगा, बट ही सरप्राइज्ड कि वो डबल रूम में है। इस बात को सुनकर सम्यक कुछ नहीं कहता, इंस्टेड वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। सम्यक कहने लगता है कि उसका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, जिसपे अनुज कहता है कि वो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ही है। ये दोनों अपना सामान वगैरह सेट कर लेते हैं और यहाँ अनुज नोटिस करता है कि सम्यक थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। वो अनुज से थोड़ी दूरी बना रहा था, साथ ही वो बार बार बहाने बनाकर कहीं तो चला जाता था। देखते देखते 2-3 दिन बीत गए और इनके सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई। सम्यक अपने स्टडीज में काफी स्ट्रगल कर रहा था और अनुज उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन फॉर सम रीजन सम्यक अनुज से ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा था। सम्यक अक्सर कमरे में नहीं होता था और कभी कभी वो एकदम अचानक से आता और फिर कहीं तो चला जाता था। ऐसे ही एक रात सम्यक कमरे में आता है और वो अनुज से बातें करने लगता है। सम्यक पूछता है कि क्या अनुज को इस हॉस्टल में काफी प्रचलित कहानी द बॉय के बारे में पता है। अनुज नो कहता है, जिसके बाद सम्यक अनुज को ये कहानी सुनाना शुरू करता है। तो आज से करीब 10 साल पहले इस कॉलेज में एक लड़का आया था, जो कि CS ब्रांच में ही था, और उसे हॉस्टल का सिंगल रूम असाइन हुआ था। वो लड़का पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन कॉलेज आकर उसे चीजें ठीक से समझ नहीं आ रही थी। इसकी वजह शायद होम सिकनेस थी या फिर सीनियर्स द्वारा बुली होना, आई डोंट नो, लेकिन वो बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, साथ ही वो काफी उदास रहने लग गया था। अपने पहले सेमेस्टर एग्जाम में वो कई सब्जेक्ट्स में फेल हो गया एंड टू मेक इट वर्स, कॉलेज के सीनियर्स उसे काफी परेशान करने लग गए थे। इन्हीं परेशानियों की वजह से वो लड़का नशा वगैरह करने लग गया था और एक रात नशे की हालत में वो पास के ही एक वाटरफॉल के करीब गया। यहाँ उसका पैर फिसल गया और उसकी वाटरफॉल में डूबकर मौत हो गई। तब से लोग मानते हैं कि उस लड़के की आत्मा आज भी हॉस्टल में घूमती है और आज भी वो एकदम अकेला अपने कमरे में रहता है। अब इस कहानी को सुनने के बाद अनुज को अजीब लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहानी सम्यक की लग रही थी। अनुज ने आज तक सम्यक को किसी के साथ नहीं देखा था। सम्यक हमेशा कमरे से गायब रहता था, वो स्टडीज में स्ट्रगल कर रहा था, और अगर आपको याद हो तो अनुज को सिंगल रूम असाइन हुआ था, तो यहाँ दो लोग कैसे हैं। ऐसे में अनुज सम्यक से पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को जानते हो जिसके साथ ये सब हुआ था। तो सम्यक कहता है कि यस, आई थिंक आई नो हिम। ये जवाब सुनने के बाद अनुज कमरे में रखी काफी चीजों पे गौर करने लगता है और वो पाता है कि वहां रखी चीजें सिर्फ एक ही इंसान के लिए थी। एक ही प्लेट था, एक ही वाटर बॉटल, एक स्टडी टेबल और सिर्फ एक ही बेड। जी हाँ, अनुज सोचता है कि इस बेड पे तो वो सोता है, तो आखिर सम्यक कहाँ सोता है।
इन्हीं बातों को सोचते हुए जब अनुज मुड़ता है तो सम्यक वापस अपने कमरे में नहीं था। ऐसे में अनुज ठान लेता है कि आज वो बाकी बच्चों से बात करके सम्यक के बारे में और पता लगाएगा और वो इस द बॉय कहानी के तह तक जाएगा। अनुज फौरन अपने पास वाले कमरे में जाता है जहां वो एक लड़के से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़का अनुज को इग्नोर करता है। इसके बाद अनुज कुछ और लोगों से कॉरिडोर में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई उसे इग्नोर कर रहा था। ऐसे में अनुज एक दूसरे कमरे में एंटर करता है जहां वो सम्यक को किसी एक लड़के के साथ बैठा देखता है। अनुज फौरन सम्यक से पूछने लगता है कि तुम हमेशा कहां गायब रहते हो? हमारे कमरे में सिर्फ एक बेड है, एक टेबल है और हर कुछ एक इंसान के लिए ही है, तो फिर तुम कहां रहते हो? क्या तुम ही द बॉय हो? इन सवालों को सुनकर सम्यक कुछ रिप्लाई तो नहीं देता, लेकिन वो एक टक अनुज की तरफ देखे जा रहा था। ऐसे में सम्यक के साथ बैठा लड़का उससे पूछता है कि ओए सैम, वहां क्या देख रहे हो? भूत देख लिया क्या तुमने? क्योंकि वहां मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। ये सुनकर सम्यक सिर्फ एक बात कहता है, द बॉय। अब इन सारी इंसिडेंट को देखकर अनुज कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और वो भागकर अपने कमरे में जाता है। यहाँ वो देखता है कि कमरे में जो भी सामान था वो सारा का सारा सम्यक का था। सम्यक हमेशा अपने कमरे में ना रहकर अपने दोस्त के कमरे में ही रहता था क्योंकि यहाँ अनुज था। अनुज को पूरे हॉस्टल में ना तो कोई देख पा रहा था ना ही सुन पा रहा था सिवाय सम्यक के। इनफैक्ट नोटिस बोर्ड देखने पे अनुज को एहसास होता है कि ये कमरा यानी कि रूम नंबर 27 सच में सिंगल रूम ही है जो कि सम्यक को असाइन हुआ है। तो आखिर अनुज का कमरा कौन सा था? अनुज का नाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में भी नहीं था और ऐसे में अनुज कॉरिडोर में इधर उधर भागना शुरू करता है। भागते भागते वो वाटर कूलर के पास पहुंचता है जहां उसे वार्डन का ऑफिस दिखता है और इस ऑफिस में अनुज की एक तस्वीर लगी हुई थी। इस तस्वीर में अनुज का जन्मदिन लिखा था और साथ ही आगे एक और डेट थी जो कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की थी। इस पॉइंट पर अनुज को एहसास हो गया था कि द बॉय और कोई नहीं बल्कि वो है और उसने सम्यक को हॉन्ट किया है। ये सब समझ आते ही अनुज एकदम से गायब हो जाता है और इस घटना के ठीक 1 साल बाद हम फिर से अनुज को देखते हैं जो कि कॉलेज में एडमिशन लेकर आता है और उसे अपने सिंगल रूम में सार्थक नाम का रूममेट मिलता है। ये कहानी तकरीबन 11 साल पहले की है जब सौरव नाम का बंदा अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। सौरव अपने कॉलेज बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था और वो वाकई में एक बहुत ही उम्दा बास्केटबॉल प्लेयर था। अपने पूरे सेकेंड ईयर के दौरान सौरव बास्केटबॉल पे काफी फोकस करता है जिसकी वजह से वो कई इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स भी जीत जाता है, लेकिन इस सब में उसकी पढ़ाई काफी सफर करती है। वो जैसे तैसे पास हो रहा था, इनफैक्ट वो कई सब्जेक्ट्स में फेल भी कर गया और इस वजह से सौरव के पेरेंट्स उससे बहुत खफा थे। तो जब सौरव थर्ड ईयर में आता है तो उसके पेरेंट्स डीन से बात करके सौरव का बास्केटबॉल छुड़वा देते हैं जिससे सौरव एकदम टूट सा गया था। वो क्लास वगैरह अटेंड करना छोड़ देता है और वो हमेशा उदास ही रहने लग गया था। अब हॉस्टल में दिन भर पड़े रहने पर डीन उसे पकड़ सकता था, तो ऐसे में सौरव कॉलेज के पीछे वाले एरिया में जाकर दिन भर बैठता था। इस एरिया में जनरली कोई नहीं आता था क्योंकि ये थोड़ा सा इंटीरियर में था एंड हिडन था। साथ ही ये जगह एक इलीगल शमशान था। ऑफिशियली वो शमशान नहीं था, लेकिन पुराने समय से ही कई लोग वहां मृत लोगों को दफना देते थे। तो एक दिन सौरव की मुलाकात यहाँ प्रिंस नाम के लड़के से होती है जो कि सौरव के ही कॉलेज से था और वो भी टाइम पास करने इस जगह पे आता है। इन दोनों की आपस में बात होती है और इंस्टेंटली इनकी दोस्ती हो जाती है। अब प्रिंस सौरव से थोड़ा अलग था। प्रिंस की थॉट प्रोसेस थोड़ी डार्क सी थी और उसे लोगों को परेशान करने में एक अजीब सी खुशी मिलती थी। प्रिंस या तो हमेशा किसी को परेशान करने की बात करता था या फिर वो ब्लैक मैजिक और ऐसे ही कुछ विचित्र टॉपिक्स पे बात करता था। प्रिंस की संगत में सौरव भी ये सब करने लग जाता है और इसके परिणाम अनुसार वो अपने हॉस्टल में जूनियर्स को बुली करने लग गया था। सौरव का प्राइम टारगेट एक अनुज नाम का लड़का था जिसकी एडमिशन फर्स्ट ईयर में हुई थी और वो रूम नंबर 27 में रहता था। तो एक दिन प्रिंस और सौरव अपने ठिकाने पे मिलते हैं और यहाँ प्रिंस कहता है कि उसे कुछ तंत्र मंत्र पता है जिसकी मदद से सौरव अपने आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने लग जाएगा। इतना ही नहीं, सौरव अपने गेम में और भी बेटर हो जाएगा जिससे उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। अब ऑब्वियसली बीइंग ए मॉडर्न गाय, सौरव इन सब बातों पे भरोसा नहीं करता, इनफैक्ट उसे ये सब बचकाना लगता है। लेकिन प्रिंस एकदम अड़ गया था कि उन्हें वो प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। बस दिक्कत यह थी कि इस प्रक्रिया के लिए उन्हें एक लड़के की जरूरत थी क्योंकि इसे कंप्लीट करने के लिए उन्हें किसी अनजान इंसान के खून की जरूरत थी।
अब खून वून वाली बात सुनकर सौरभ तुरंत अलर्ट हो जाता है, लेकिन प्रिंस बहुत कैजुअली कहता है कि अरे बस एक ड्रॉप ही चाहिए, ऐसा कुछ बहुत नहीं है, और ऐसे भी ये तो बस फन के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, तो चलो करके देखते हैं कहीं सच में कुछ हो जाए। वेल, ये सब सुनकर सौरभ थोड़ा सोचने लगता है, ऑल्दो वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो सोचता है कि क्यों ना वो अनुज को इसमें फंसा कर उसे थोड़ा परेशान करे। फिर क्या था, सौरभ रूम नंबर 27 में जाकर अनुज से दोस्ती करने लगता है और वो उसे शराब वगैरह भी पिलाने लगता है। अब देर रात जब अनुज काफी नशे में आ गया था, सौरभ उसे अपने साथ कॉलेज के पास वाले वाटरफॉल के पास ले जाता है, क्योंकि प्रिंस वो प्रक्रिया यहीं पे करने वाला था। तो वाटरफॉल पे पहुंचकर प्रिंस और सौरभ अनुज को वहां बैठा देते हैं और प्रिंस कुछ चैंटिंग शुरू करता है। ये लोग एक बॉनफायर के इर्द गिर्द बैठे थे और देखते ही देखते प्रिंस अपना वेशभूषा बदल लिया था, जहां वो एकदम अजीब दिख रहा था, मानो वो कोई तांत्रिक हो। इस पॉइंट पे सौरभ नोटिस करता है कि अपनी चैंटिंग्स में प्रिंस सिर्फ अनुज का ही नहीं बल्कि सौरभ का भी नाम ले रहा था, और ऐसे में वो प्रिंस को रोक कर इस बारे में पूछता है। प्रिंस कहता है कि वो बस वहां मौजूद सभी लोगों का नाम ले रहा है और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, सौरभ का सर भारी हो रहा था और अनुज तो ऑलरेडी पी के टुल था। सौरभ को शक होने लगता है कि यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है, इसीलिए जब प्रिंस उठकर कुछ सामग्री लाने थोड़ी दूर जाता है तो सौरभ चुपके से उसकी किताब को पढ़ना शुरू करता है। अब ये जो किताब थी वो काफी पुरानी थी और यहाँ जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वो सौरभ के समझ के परे था, लेकिन किताब में कुछ हैंड ड्राइंग्स भी थी और इनको देखकर सौरभ चीजें समझने की कोशिश करता है। किताब में एक बूढ़े इंसान की ड्राइंग थी और वहां दिखाया जा रहा था कि अगर दो जवान लोगों को मारने के साथ साथ ये प्रक्रिया की जाए तो एक बूढ़ा इंसान वापस से जवान हो सकता है। सौरभ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या है, और तभी वो अपने पीछे प्रिंस को देखता है जो कि एकदम से बूढ़ा दिखने लग गया था। जी हाँ, अब इससे पहले सौरभ भाग पाता, प्रिंस उसको जकड़ लेता है और वो कहता है कि अपनी जवानी को वापस पाने के लिए वो सौरभ और अनुज दोनों की बलि चढ़ाकर उनका खून पी जाएगा। ऐसे में सौरभ काफी स्ट्रगल करता है, लेकिन प्रिंस उसे भी इंटॉक्सिकेट कर देता है। बेहोश होने से पहले सौरभ किसी तरह आगे बढ़कर अनुज को धक्का दे देता है, जिससे अनुज वाटरफॉल में गिर जाता है और इससे प्रिंस की प्रक्रिया अधूरी ही रह जाएगी। ये सब देखकर प्रिंस एकदम बौखला उठता है और वो पानी की तरफ बढ़ता है, लेकिन इतने में सौरभ प्रिंस के ही चाकू से उसे स्टैब कर देता है। चाकू लगते ही प्रिंस का शरीर अजीब तरह से सड़ने लग जाता है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर वहां से एकदम गायब हो जाता है। अब तक सौरभ भी बेहोश हो गया था और जब उसकी आंखें खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। सौरभ तुरंत ही भागकर हॉस्टल आता है और यहाँ वो डायरेक्टली रूम नंबर 27 में जाता है। वहां उसकी मुलाकात अनुज से होती है, जो कि एकदम ठीक दिख रहा था, और अनुज कहता है कि पिछली रात एकदम अचानक से उसे होश आया और वो खुद को वाटरफॉल के नीचे पाया। ऐसे में वो भागकर हॉस्टल आ गया एंड नाउ ही इज फीलिंग बेटर। सौरभ यहाँ अनुज को कुछ बताता तो नहीं है, लेकिन वो उससे पिछली रात के लिए माफी मांगता है, साथ ही वो प्रण लेता है कि आज से वो किसी को परेशान नहीं करेगा। तो इसके बाद जब सौरभ अपने कमरे की ओर जाने लगता है तो उसे अपने हॉस्टल मेट से पता चलता है कि कल से ही अनुज नाम का लड़का मिसिंग है। ऐसे में सौरभ पूछता है कि वो अनुज क्या रूम नंबर 27 में जो रहता है, उसे तो मैं अभी तुरंत मिल के आया हूँ। ये सुनकर सौरभ के साथ कुछ लोग रूम नंबर 27 जाते हैं, जहाँ अनुज वाकई में था। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि सौरभ अकेला बंदा था जो कह रहा था कि अनुज वहां बैठा है, बाकियों को अनुज दिख ही नहीं रहा था। ऐसे में एक बंदा सौरभ से यह गन्ना मजाक ना करने को कहता है बिकॉज दिस इज सीरियस, और सौरभ समझ ही नहीं पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ा इधर उधर सोचने के बाद सौरभ सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम वाटरफॉल के पास जाकर अनुज को ढूंढें। ये सुनकर कुछ बच्चे इस सजेशन को कॉलेज रेस्क्यू टीम तक पहुंचाते हैं और रेस्क्यू टीम वाटरफॉल के पास अनुज को ढूंढने जाती है। वहां रेस्क्यू टीम को अनुज का मृत शरीर मिलता है। जी हाँ, वो कहते हैं कि अनुज की शायद डूबकर मौत हो गई है, और ऐसे में पूरा कॉलेज शॉक स्टेट में चला जाता है। सौरभ पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उसे सच्चाई पता थी। अनुज की मौत में कहीं ना कहीं उसकी गलती थी, लेकिन वो ये बात किसी से भी शेयर नहीं करता। वो अब कॉलेज में भी नहीं रह सकता था क्योंकि फॉर सम रीजन वो अनुज की आत्मा को देख पा रहा था, और अनुज की आत्मा को ये तक नहीं पता था कि वो मर चुका है। इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए सौरभ डिसाइड करता है कि वो कॉलेज छोड़ देगा, और इसीलिए वो फौरन अपने पेरेंट्स और प्रोफेसर से बात करके इसी कॉलेज के एक दूसरे ब्रांच में शिफ्ट हो जाता है, जो कि वहां से काफी दूर था। सौरभ अपने अंदर इस बड़े से राज को छुपा लेता है और अब वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से और सही तरीके से जीने की सोचता है। आज भी 10 साल बाद सौरभ के मन में वो घटनाएं एकदम ताजी है, लेकिन वो आज तक ये नहीं जान पाया कि आखिर वो प्रिंस था कौन, उसका असली नाम क्या था, वो कितने सालों से एग्जिस्ट कर रहा था, उसकी सच्चाई क्या थी, और क्या वो इंसान था भी या फिर कोई शैतान। अब भले ही सौरभ को ये सब ना पता हो, लेकिन सौरभ को इतना जरूर पता था कि वो अपनी पूरी जिंदगी अनुज के मौत के गिल्ट में ही जीने वाला है। तो बस दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी और इन कहानियों के लिंक को आप समझ पाए होंगे।
इन कहानी को मैंने ही कुछ सोर्सेस से इंस्पायर होकर लिखा है। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप वीडियो पे ढेर सारा लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसी कहानी को एक्सटेंड करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी बैक स्टोरी है प्रिंस वगैरह को लेकर, तो मैं उसे इंट्रोड्यूस करूंगा, कुछ ट्विस्ट्स लाऊंगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब मुझे पता चले कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगी है। नहीं इंटरेस्टिंग लगी तो इसे यहीं पे बंद कर देंगे। नाउ कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके आप मुझे कुछ सजेशंस दे सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके हनीगेन को आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और वहां मेरा कोड हॉन्टिंग का भी इस्तेमाल कीजिएगा टू गेट $5 ऑन साइन अप। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।